अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का सम्मेलन जिला अधिवक्ता सभागार में आयोजित किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे समाज में उत्तर प्रदेश में 98% से ज्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान किया और भाजपा सत्ता में है, तो सरकार से अपने समाज की सत्ता में भागीदारी की मांग को लेकर यह सम्मेलन किया गया है। प्रदेश में सभी जनपदों में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की पूरी टीम पूरे समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव रमन श्रीवास्तव, जिला सचिव प्रिंस श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव सहित अन्य कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने कहा, मैं डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव हूँ, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का अध्यक्ष हूँ और संगठन की जागृति के लिए दौरे कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में। ये गोष्ठी है, संगठन को सक्रिय बनाने के लिए गोष्ठी है और एक उद्देश्य ये था कि बाबा का ये गृह जनपद है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे समाज ने उत्तर प्रदेश में 98% से ज़्यादा भाजपा को मतदान किया, भाजपा सत्ता में है, तो हम उससे अपनी भागीदारी की मांग करने आए हुए हैं और हम तब तक आते रहेंगे जब तक कि बाबा हमको दे नहीं देते हैं। नाराज़गी, हम बच्चे तो हैं नहीं कि दो मिनट में नाराज हुए, दो मिनट में खुश हुए, हम अपना हक मांगते रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा हम लगाएंगे। हमारे पदाधिकारी हैं, हर महीने आकर के बाबा के आश्रम में जयकारा लगाएंगे और उनसे अपनी मांग करेंगे कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए।